नैना एक 23 साल की लड़की है। वह पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, लेकिन नैना की एक समस्या है, वह हर चीज को बारीकी से देखना और करना पसंद करती है, जिसके कारण अक्सर उसका ध्यान चीज़ों की सकारात्मक विशेषताओं की जगह कमियों पर ज़्यादा जाता है। उसे हमेशा लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है, फिर भी चाहे खाना हो, कपड़ा हो, पढ़ाई हो या आसपास का माहौल हो, अपनी इस आदत के कारण वह अपनी उपलब्धियों का पूरा मजा नहीं उठा पाती और असंतुष्ट रहती है। स्टोरी सिर्फ नैना की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की भी है जिनका ध्यान हमेशा कमियों पर ही जाता है, फिर वह चाहे अपनी हो या दूसरों की। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। यह सोच युवाओं में और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। काश मेरे पास भी मेरे दोस्त जैसा आईफोन होता, उसके कपड़े मुझसे जैसे ज़्यादा होता अच्छे, वो मुझसे अच्छा दिखता है, पड़ोसी की कार हमारी कार से ज़्यादा अच्छी है, काश मेरे पास बंगला होता, काश काश काश। ऐसे में हमारे पास जो है हम उसका मज़ा भी नहीं ठीक से ले पाते और हमेशा नाखुश रहते हैं। इंसान की एक प्रवृत्ति को द मिसिंग टाइम ऑफ सिंड्रोम कहा गया है। इसका मतलब यह है कि हम चीज़ों को ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, दुख और असंतुष्टि का कारण बन जाती है। हम सब इंसान हैं जो कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। हर इंसान में कमियां हैं, लेकिन यह उसका जीवन के प्रति नजरिया तय करता है कि वह उन कमियों को किस तरह देखे या अपने ऊपर हावी न होने दे। यह सोच तभी मजबूत हो सकती है जब हम इन बातों को ध्यान रखें। लोभ या लालच ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं, यह समय के साथ और भी ज्यादा होने लगती है अगर सही समय पर इसे अपने ऊपर हावी न होने दिया जाए। याद रहे, कुछ पाना अलग बात है, लेकिन नियंत्रित अनियंत्रित पानी की लालसा, अलग पानी की लालसा आपको भी संतुष्ट नहीं रहने दे। सकारात्मक चीज़ों या कमियों पर जाए तो उस पर दुखी होने की बजाय यह सोचें कि आप कैसे बेहतर पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए कमियों को भी मजबूती बनाएं। हमेशा यह सोचें कि आपका जो है उसमें कैसे खुश रह सकते हैं। प्रयास करें, लेकिन तुलना नहीं। संतुष्ट मन की सबसे सकारात्मक स्थिति है। यह हमें जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों में भी बड़ी खुशियों का एहसास करवाती है। एक असंतुष्ट व्यक्ति बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी दुखी और तनाव में रहता है। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि आपको खुद को सुधारना नहीं चाहिए, इसका मतलब कि प्रयास के बाद जो मिला उसमें खुश रहना चाहिए और बेहतर चीजों के लिए, बेहतर नतीजों के लिए सकारात्मक के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे साथ साझा करना चाहिए। तो कृपया कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो धन्यवाद। जय हिंद।